हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक फिर से एक नया ट्राइपॉड ले लिया है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो पहले का डिजिटेक वाला जो ट्राइपॉड था उसका जो कैप है वो खो गया कहीं पे। और उसका कैप जो होता है वो अगर आपका खो जाता है तो वो कैप और आपको मार्केट से नहीं मिलता, मतलब वो एक छोटा सा कैप अगर आपका खो गया तो आपका पूरा ट्राइपॉड जो है बर्बाद हो जाता है। और वो ट्राइपॉड थोड़ा महंगा भी था, वो 2500 का ट्राइपॉड था। तो दोस्तों ये लॉकडाउन में मैं बहुत दिनों से जो है एक छोटा ट्राइपॉड पे ही काम चलाया बहुत दिनों तक, क्योंकि लॉकडाउन में सारा शॉप ये बंद था और हमारे झारखंड में ऑनलाइन भी जो है वो सर्विस भी अभी क्लोज है। तो दोस्तों मैंने फाइनली अभी जो है अमेजन के थ्रू, अब जो है ऑनलाइन सर्विस ओपन हो चुका है और अमेजन के थ्रू मैंने एक नया ट्राइपॉड खरीदा है, जो कि दोस्तों है बैनरो, इसका ब्रांड का नाम है। और ये डिजिटल ट्राइपॉड है जो कि आपका स्मार्टफोन और कैमरा दोनों के लिए बेस्ट है। और दोस्तों इसका क्या प्राइसेस है और ये किस तरह का है, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, सारा डिटेल आज की इस वीडियो पर मैं दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि ये ट्राइपॉड कैसा है। और आप लोग इसे देख करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और आपको परचेस करना होगा तो मैं इसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल पर अभी एक गिव अवे चल रहा है जहां पर आप 10 ट्राइपॉड जीत सकते हो। तो उस गिव अवे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर के गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। चलिए गाइस आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अभी देख सकते हो ये है पैकेट जो कि बॉक्स है इस ट्राइपॉड का, जिसमें लिखा है डिजिटल ट्राइपॉड। और दोस्तों इधर इसका जो है ब्रांड का नाम है जो कि है बैनरो, लेट्स गो। तो गाइस इस तरह का इसका जो है कुछ पैकेजिंग है। और इधर जो दोस्तों कुछ इसका बेसिक फीचर्स जो है यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। अगर इसकी बात करूँ कि इसका हाइट क्या है नहीं है, वो सारा भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरह का बॉक्स पैकेजिंग, जो कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, यहाँ पर आप लोग जो है देख लेना। मैक्सिमम लोड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 2.5 kg तक आप मैक्सिमम लोड दे सकते हो इस पर। और मैक्सिमम हाइट इसका जो है 1435 है, ठीक है, 56.5 meter। और दोस्तों यहाँ पर फोल्डेड है, ठीक है, फोल्डेड लेंथ करोगे तो ये 450 mm हो जाएगा अगर फोल्ड कर दोगे। और वेट जो है इसका दोस्तों है 0.94 kg, ठीक है, मतलब 940 ग्राम। बहुत ही लाइट वेट ट्राइपॉड है, लेकिन दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इसको ओपन करके, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। सो गाइस सबसे पहले आपको एक कैरी बैग मिलता है जिसको आप लेकर के आराम से ट्राइपॉड को कैरी कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह का कैरी बैग है इसमें। और इसके अंदर से दोस्तों ये ट्राइपॉड निकलेगा, तो चलिए इसको अंदर से निकालते हैं। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो ये है ट्राइपॉड जो कि है बैनरो की ओर से, कुछ इस तरह का। देखने में बहुत ही ज़्यादा लुक इसका जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे स्टील का लगा हुआ है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। तो गाइस इसका क्या फीचर्स है, जो डिजिटेक का ट्राइपॉड था उससे ये क्यों बेटर है, वो चीज़ मैं अभी बताऊँगा। उससे पहले चलिए इसको दिखाते हैं। तो इस तरह से इसको आप ओपन करोगे तो इस तरह से ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना छोटा सा भी जो है फोल्डेड है तो इतना छोटा है। और ये रहा इसका जो है मेन काम। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये जो इसका देख रहे हो कैप, ये कैप यहाँ पे फिक्स है, जिसके वजह से ये कैप आपका क्या होगा कि आप कैमरा को सीधा यहाँ पर लाओगे और कैमरा को यहाँ पे जो है इसका नट को जो है टाइट कर दोगे तो कैमरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। या फिर आपको अगर स्मार्टफोन कनेक्ट करना है तो स्मार्टफोन के लिए आपको ये एक जो है स्टैंड आता है, ये आपको परचेज करना होगा। इसको यहाँ पर आप लगा दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये स्मार्टफोन के लिए बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप अगर टिकटॉक वीडियो शूट करते हो, सॉरी टिकटॉक का मैंने नाम ले लिया, अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट करोगे तो इस तरह से पुश करके इसको आप जो है इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख सकते हो इस तरह ये रोटेट हो जाता है, जिससे कैमरा आपका इस तरह से हो जाएगा या स्मार्टफोन इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाएगा, जिससे आप जो है अपने जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल मोड वाले वीडियोज भी बना सकते हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए हो। तो मैंने इसका बात करें तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ ऐसा कर देना है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा फीचर्स है नहीं। चलिए इसको स्टैंड करते हैं और दिखाते हैं कितना बड़ा इसका साइज है। सो गाइस अभी ये फोल्डेड है, इसको चलिए ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका हाइट कितना है, ठीक है। और दोस्तों देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी फील कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप इसको लेकर के जाकर के आउटडोर शूट कर सकते हो, इंडोर शूट कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है जो कि मैंने परचेज किया है। और इसका क्या प्राइस है क्या नहीं वो भी मैं बताऊँगा, उससे पहले आप लोग ट्राइपॉड देख लो किस तरह का है। इसका थोड़ा हाइट मैं अभी चेक करा देता हूँ। सो गाइस अभी आप देख सकते हो इतना हाइट मेरा हो रहा है अभी। और दोस्तों इसका एक और फंक्शन है, यहाँ से आपको इस नट को जो है थोड़ा सा ढीला करना है, ठीक है, और इसको आप आराम से ऊपर भी खींच सकते हो इस तरह करके। आप देख सकते हो इसका हाइट कितना हो गया और इसको टाइट कर दीजिए। तो गाइज इतना हाइट इस ट्राइपॉड का है, देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हाइट है। आप आराम से खड़ा होकर के भी अपने वीडियोज़ को शूट कर सकते हो यहाँ पे कैमरा सेट करके, या फिर आप आराम से इसको जो है नीचे करके बैठ करके भी चेयर पे भी वीडियोज़ बना सकते हो। और बात करें इसकी वेट की, तो सबसे ज़्यादा चीज़ यही खास है कि इसका लाइट वेट है, स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का दिया गया है। और प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये ट्राइपॉड बहुत अच्छा लगा। इसका जो ये है
इसमें जो है हाइड्रोलिक नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ढीला टाइट भी कर सकते हो इसके स्टैंड से। तो इस तरह का ये ट्राइपॉड है गाइज। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को, मैं अगर अपना खुद का ओपिनियन बताऊँ तो गाइज ये ट्राइपॉड मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो शायद ये 1700 या 1800 रुपये प्राइस है इसका। मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के चेक कर लेना, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है अमेजोन पे। तो अगर आपको परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस ट्राइपॉड का। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा। सो गाइज उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपको अगर ये ट्राइपॉड अच्छा लगा हो, अगर परचेज करना हो, तो इस ट्राइपॉड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।